स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में सेट थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे सेट थ्योरी के टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे। उसी टाइप्स के एप्लीकेशन से हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को कवर किए थे। हम बतलाए थे कि एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले कुछ टाइप्स और सेट और है, जिसमें आपको सबसे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल फिर कह सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स जानने पड़ेंगे। तो सारे सेट के कॉन्सेप्ट को हम लोग बारी 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 डिफाइन करेंगे, फिर इंटरवल्स के बारे में डिफाइन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ सेट चलाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए सबसेट। सबसे पहला आपके पास हो गया सबसेट्स। नोटिस कीजिएगा सबसेट क्या है, समझ गया ध्यान से। इसका जिक्र हम पीछे भी कई जगह किए थे, लेकिन फिर से छोटी छोटी कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज पड़ा था। अब यहां पर आपको फाइनली जानना है कि सबसेट क्या है, फिर हम लोग सबसेट को कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में कैसे स्टडी करेंगे, उसी के बारे में स्टडी करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो चलिए देखिए, आप सपोज दैट मान लीजिए कि सबसेट को डिफाइन के लिए हम लोग एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू, हम लोग कोई एक सेट टेकन कर लेते हैं। सेट बोलिए कोई कोई एलिमेंट होना चाहिए, वन टू और क्या प्रेजेंट है, थ्री। क्लियर है प्रेजेंट? बी इक्वल टू भी कोई सेट लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा कितना हो गया फाइव। ध्यान से पास समझिए, एकदम बढ़िया से नोटिस करिए, आसानी समझ में आए। बताइए हम लोग क्या देखें यहां पर, बताइए कि सेट ए में आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है वन टू थ्री, सेट बी में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है बताइए, वन टू थ्री फोर और फाइव। हम यहां पर क्या देख रहे हैं बताइए कि फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या वह सारा का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है? हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट में अगर ए आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो सेकंड सेट में ही वन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेट में हम देख रहे हैं टू प्रेजेंट है तो सेकंड सेट में ही टू प्रेजेंट है, और फर्स्ट सेट में देख रहे हैं थ्री प्रेजेंट है तो सेकंड सेट में भी क्या प्रेजेंट है, थ्री। मीन्स हम लोग फाइनली यहां पर कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वन है तो बी में ही प्रेजेंट है, टू है तो इसमें प्रेजेंट है, थ्री है तो इसमें प्रेजेंट है। देन हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग फाइनली कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है, किसका सिंबल है नोटिस कीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सबसेट। कहीं पर ये सिंबल लिखा गया, इसका मीनिंग आपको समझ जाना है कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है। तो आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप इजी वे में समझ सकते हैं। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास अलग अलग सेट नहीं दिया रहेगा, सिंपल फॉर्म में दिया रहेगा, जैसा सपोज दैट मान लीजिए कि 1, 2 और इज अ सबसेट ऑफ, कहीं पर आपके पास एग्जांपल दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि 1, 2 क्या दे दिया, 3। बोलिए तो यहां पर ध्यान समझ के बोलिए, तो फर्स्ट सेट में हम देख रहे हैं कि 1, 2 प्रेजेंट है, क्या वही 1, 2 सेकंड सेट में प्रेजेंट है? तो यस, हम लोग देख रहे हैं फाइनली कि फर्स्ट सेट में 1 प्रेजेंट है तो इसमें 1 प्रेजेंट है, फर्स्ट सेट में 2 प्रेजेंट है तो सेकंड सेट में 2 प्रेजेंट है। मीन्स हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा सेकंड सेट में प्रेजेंट है। मीन्स हम कह सकते हैं फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, सेकंड सेट। लेकिन इसी में मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके बट करके दे दिया कुछ कंडीशंस, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दे दिया सेट में एलिमेंट दे दिया 1, 4 और सपोज दैट मतलब कोई एक सेट जैसे हम लोग टेकन किए थे 1, 2, 3 का ही सेट बना लेते हैं। अब बताइए तो यहां पर नोटिस कीजिए, तो 1 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो सेकंड सेट में 1 प्रेजेंट है प्रेजेंट। फर्स्ट सेट में 4 है तो क्या सेकंड सेट में 4 है, नहीं है प्रेजेंट। मीन्स हम लोग यहां पर फाइनली कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए में जितना एलिमेंट है क्या वो बी में प्रेजेंट है, नहीं बी में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं 1 तो प्रेजेंट है, 1 दोनों में प्रेजेंट है, 1 हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट में भी तो सेकंड सेट में, बट 4 इसमें है तो इसमें नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब कहते हैं फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। जब भी बोलेगा कि फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है तो हम लोग सबसेट लिख करके डज नॉट का सिंबल डाल देंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मीन्स डज नॉट सबसेट के इंडिकेट सिंबल को इंडिकेट करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? जैसा कि आप जानते होंगे, सपोज दैट मान लीजिए आपको याद होगा पीछे आप पढ़े थे रियल नंबर, रियल नंबर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पढ़े थे दो पार्ट्स होते हैं रेशनल इरेशनल, उसी से कट करके इंटीजर्स निकलता है, फिर उसी से नेचुरल नंबर होल नंबर सारा उसी का टाइप्स निकलता है, रेशनल निकलता है। तो उसी के एग्जाम्पल को समझिए, तो सपोज दैट मान लीजिए हम क्या जानते हैं बताइए, नेचुरल नंबर, समझिएगा पहले एक चीज हमको बताइए, नेचुरल नंबर बताइए, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, सो बताइए नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, हम लोग क्या कह सकते हैं होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर से सारा नंबर निकलकर किसमें इंक्लूड होता है, होल नंबर। आप चेक भी कर सकते हैं, बताइए हम छोटे छोटे एग्जांपल लिखते चलते हैं। नेचुरल नंबर मींस क्या होता है, 1, 2, 3 अप टू बढ़ते चला जाएगा, बताइए इज अ सबसेट ऑफ, हम लोग क्या कह सकते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या है बताइए, 0, 1, 2 ये बढ़ते चला गया। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बताइए तो ध्यान से मेरी बात बताइए, तो फर्स्ट सेट में 1 प्रेजेंट है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें। मींस कह सकते हैं फर्स्ट सेट में नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, होल नंबर में प्रेजेंट है? तो यस प्रेजेंट है। मींस हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का।
अगर होल नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दे, सपोज होल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, जेड। जेड मींस क्या होता है, इंटीजर। हम एरो लगाकर लिखते चलते ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। बताइए तो इंटीजर के सेट में क्या आता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये बढ़ते चला जाएगा। बताइए तो जीरो वन टू थ्री फोर, जितने नंबर है जीरो इसमें प्रेजेंट है तो इसमें भी, हम लोग कह सकते हैं वन इसमें प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट है, टू इसमें प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है। मीन्स कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी होल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, हम लोग क्या देखें यहाँ पर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है इंटीजर में। फिर हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो किसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है वो सारे किसमें प्रेजेंट रहते हैं, रेशनल नंबर, जिसमें हम बोलते हैं टू बाई थ्री, फोर होल वन बाई सिक्स, जीरो, टू बाई फाइव, एनी रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर बताइए रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, हम लोग क्या जानते हैं, रियल नंबर का। रेशनल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स है वो किसमें मौजूद रहते हैं, रियल नंबर में। हम पीछे ही बता चुके हैं कि रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बताइए रियल नंबर, ऑल नंबर, रियल नंबर, सपोज दैट मान लिया आप अगर जानते हैं रियल नंबर के सेट में, आप लोग क्या जानते हैं, ऑल नंबर, मीन्स हम लोग कह सकते हैं पाई, ट्वेंटी टू बाई सेवन, रूट टू, रूट थ्री, जीरो, जीरो पॉइंट वन, इस तरह से बहुत सारे टर्मिनेटिंग टर्म भी कह सकते हैं कि बहुत सारे मीन्स ऑल नंबर्स विच रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, सारे वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है आपके पास, रियल नंबर। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो जेड से, तो हम लोग लिख देते हैं या तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे या तो सी से। ये क्या है, कौन सा नंबर है, तो हम बगल में इंडिकेट कर देते हैं, ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, यहां भी जेड है यहां भी जेड है, बट ये जेड आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड हम और करके लिख चुके हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, या तो हम उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो फाइनली हमको यहां पर क्या पता चला कि नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में है, मीन्स नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सारा एलिमेंट इंटीजर में है, मीन्स होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सारा नंबर रेशनल नंबर में है, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। फिर हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर का सारा सबसेट किसमें प्रेजेंट है, रियल नंबर में, तो कह सकते हैं रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड लास्टली रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा नंबर इंक्लूड जाता है, इमेजिनरी, नॉन इमेजिनरी, रियल, सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो फाइनली आपको यहां पर क्या पता चला कि सबसेट मींस क्या होता है, कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जब भी ए में जितना भी एलिमेंट्स रहेंगे आर प्रेजेंट इन बी, वो किसमें प्रेजेंट रहेगा, बी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको हम लोग बाई डेफिनेशन से लिखते हैं, क्या कहेंगे बताइए, लेट ए एंड बी बी दी टू सेट्स, देन हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे किसमें प्रेजेंट रहेंगे, बी में प्रेजेंट रहेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देन इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब हो गया देन कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए कर दीजिए क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि किसके साथ सबसेट बनाया, तो ए बी के साथ बनाया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, जब भी ए और बी दो सेट्स को हम लोग टेकन करेंगे, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए में जितना भी एलिमेंट्स रहेगा आर प्रेजेंट इन बी, किसमें प्रेजेंट रहेगा, बी में, देन ए कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए किसका सबसेट है, बी का। अब समझिएगा उसी के एग्जांपल्स पर, और आइए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। हम लोग क्या बताएं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझिए, तो अभी बताएं तब से का सिंबल क्या होता है, कि जब भी हम लोग ऐसे करके एक प्रॉपर सबसेट का सिंबल डाल करके नीचे से डैश लगा देते हैं तो यही आपके पास हो जाता है। क्लियर है। तो आइए इस बात को लिखेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जब भी ए और बी दो सबसेट रहेगा तो ए को बी के साथ सबसेट दिखाना है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट का सिंबल, किसका सिंबल, सबसेट का। ये जो आपके पास सिंबल है इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो आपको समझ जाना है कहीं पर अगर ये सिंबल दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कि फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है
उस सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। एक और एग्जांपल से देख सकते हैं, बताइए जैसा हम लोग कह सकते हैं लेट, मान लीजिए ए इक्वल टू कोई आपके पास सेट दे दिया, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, वॉवेल में क्या आता है ए ई आई ओ यू, क्लियर है। और बी इक्वल टू कोई सेट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, बताइए ए बी सी अप टू कहां तक हम लोग आ सकते हैं जेड तक, बताइए तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ है, बताइए तो ए आई ओ यू जितने भी वॉवेल्स के सेट है, जितने भी वॉवेल्स के मेंबर में सेट आते हैं, बताइए तो क्या वह सारा का सारा एलिमेंट्स ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब 1 to 26 लेटर जो है उसमें पांचों वॉवेल्स इंक्लूड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस, बिल्कुल इंक्लूड रहेंगे। तो फिर देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या क्लियर हो गया, देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A B का क्या है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट किस में मौजूद है, B में मौजूद है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन इसी में मान लीजिए अगर कहीं कहीं आपके पास कुछ कोइंसिडेंस दे दिया, कोइंसिडेंस क्या दे दिया, तो समझिए यहां पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B दे दिया, मींस हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच हैविंग नॉट प्रेजेंट इन ए, मीन्स कम से कम आपके पास बी में एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में प्रेजेंट है, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ए बी का क्या रहेगा, सुपरसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आसानी से समझ आएगा, पहले समझिए हम क्या बोले हैं। इस बात को आप नोट में लिख सकते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले फास्ट फास्ट इसको लिखिए, तेजी में लिखिए नोट आप एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके फास्ट फास्ट लिखिए तेजी में, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या करा, समझिए इफ, अभी हम जस्ट बतलाए हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अभी हम क्या बतलाए, ए अगर बी का सबसेट होगा, लेकिन अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, आपको पीछे बताया गया था, और बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में इक्वल सेट बोलते थे, बट नहीं, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए विच हैविंग नॉट प्रेजेंट इन ए, जो कि किसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरसेट। तो वही लिखे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है देन हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ, तो बी ए का क्या बोलेंगे बताइए, सुपरसेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सुपरसेट। क्लियर कॉन्सेप्ट, देखिए यहां पर इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ये बात मेरी बात होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है समझिए, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, मींस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी हैविंग नॉट प्रीइमेज इन ए, मींस हम लोग कह सकते हैं बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्रीइमेज ए में नहीं बनना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, फास्ट फास्ट इसको समझ करके आसानी से नोटिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, प्रॉब्लम बनाने में इसका कॉन्सेप्ट यूज पड़ेगा, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर कॉन्सेप्ट, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लियर कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए यूनिवर्सल सेट, हेडिंग दीजिए यूनिवर्सल सेट, समझिए पहले समझिए एकदम बारीकी से कि यूनिवर्सल सेट क्या है, पिछले क्लास से बताया था याद कीजिएगा, यूनिवर्सल सेट मीन्स होता है यूनिवर्स, जैसे आप जानते हैं यूनिवर्स में
जितने भी सोलर सिस्टम है, मीन्स जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी हम कहते हैं स्टार्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंक्लूड है। उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। मीन्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहे, जिसके अंदर ब्रह्मांड में जितने भी चीज है वो सारे उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इधर समझिए भाई, एग्जांपल अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दे दिया लेट ए इक्वल टू कोई सेट दे दिया, समझिए जैसे दे दिया 1, 3, 5 और क्या दे दिया 7, क्लियर है। कहीं पर आपके पास दे दिया बी इक्वल टू कोई सेट दे दिया 2, 4, 6 और क्या दे दिया 8, क्लियर है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं बताइए, एंड आपके पास सी इक्वल टू भी कोई सेट दे दिया, नोटिस कीजिए, जैसे दे दिया 0, 9, दो दो एलिमेंट्स का सेट दे दिया, क्लियर है। अब जैसे बताइए, जैसे हम लोग कोई ऐसा सेट टेकन कर लेते हैं जिसके अंदर सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, हम पीछे बताएंगे अभी जस्ट हम कि यूनिवर्स मींस क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सोलर सिस्टम है, जितने भी उसके अंदर अर्थ हैं, स्टार्स हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं, वो सारे उसके अंदर क्या होने चाहिए? इंक्लूड होने चाहिए। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली बताइए, तो एक यूनिवर्सल सेट हम ऐसा टेकन किया जिसमें 0 से 10 तक एलिमेंट्स पुट कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो गया आपके पास 10। अब बताइए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अभी हम जस्ट बताएं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। आप देखिए यहां पर बताइए तो क्या इसमें 1 प्रेजेंट है, तो हम देख रहे हैं 1 है, 3 है तो 3 है आपके पास प्रेजेंट, 5 है तो 5 है प्रेजेंट, 7 है तो 7 है। यहां पर देख सकते हैं बताइए 2, 4, 6 है, जितने भी एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 प्रेजेंट है। यहां पर कह सकते हैं 0 और 9, तो 0 भी प्रेजेंट है आपके पास यहां पर और 9 भी प्रेजेंट है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। मीन्स एक ऐसा सेट हम लोग टेकन किया है जिसके अंदर सारे पार्ट, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आइए और एग्जाम्पल्स क्लियर कीजिए, अपने आप समझ आएगा। मान लीजिए जैसे लेट कोई सेट आप बोलिए, जैसे Q इक्वल टू आपके पास दे दिया कोई रेशनल नंबर का सेट दे दिया, बताइए तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? P by Q, कब? जो वेयर हम लोग क्या कर सकते हैं? Q does not equal to 0, एक रेशनल नंबर का हम लोग सेट ले चुके हैं, क्लियर है। इसको मान लीजिए Q से डिनोट किए हैं। एंड बताइए कोई दूसरा सेट हम लोग टेकन कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि इरेशनल, आई से रिप्रेजेंट कर दे, बताइए इरेशनल का हम लोग सेट लिए हैं, सपोज दैट मान लीजिए रूट अंडर पी, कब? जो वेयर हम लोग क्या कर सकते हैं? पी इज प्राइम, बताइए कोई प्राइम नंबर का हम लोग को रूट निकालना हो, इरेशनल निकालना हो, तो सारा किसका सेट जाएगा? इरेशनल का सेट आएगा। अब बताइए हम एक यूनिवर्सल सेट ऐसा बनाते हैं, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि R से रिप्रेजेंट किया रियल नंबर का, हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मींस हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसी को और करके हम लोग पीछे पढ़ लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। अब आइए जैसे हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट, नोटिस कीजिएगा। देखिए यूनिवर्सल का फर्स्ट लेटर यू होता है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे बताइए नाम से ही लग रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि ओमेगा, ओमेगा मीन्स क्या होता है कि जिसके अंदर यूनिवर्स सारा एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए? यहां पर आप लोग ओमेगा का सिंबल पढ़े थे, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट, ये इम्बॉल हो गया, ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कहीं पर एस है तो कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सारा सिंबल यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कि आपके पास दे दिया एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई किसका जनरल फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। कब? जब हम लोग कह सकते हैं वेयर, बताइए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कितना रहेगा? रियल नंबर, एंड आई इज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी यूनिट जिसका वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर माइनस 1, समझिएगा मेरी बात को। तो हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू एक रेशनल नंबर का सेट टेकन किए हैं, I इक्वल टू एक रेशनल नंबर का सेट किए हैं, और R इक्वल टू एक रियल नंबर का सेट किए हैं। जैसे हम लोग बताए यूनिवर्सल सेट में एक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाए, तो आप क्या पढ़ते हैं नोटिस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस क्या होता है? कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होने चाहिए। बताइए तो रेशनल भी इसके सेट में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इरेशनल भी आ जाएगा, रियल नंबर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा सेट जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, सारा के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रेजेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा सेट बनाएगा जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसी को बाई डिफिनेशन से लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे? लिखिए ए सेट हैविंग, बताइए क्या हम देख रहे हैं? ऑल एलिमेंट्स, है ना,
सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स हम लोग कह सकते हैं जितने भी सेट्स प्रेजेंट रहेंगे, आर प्रेजेंट इन ए सेट, सेट समझिए इसका मीनिंग क्या है, कि ए सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सेट, मतलब कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, सेट में, या इसी को और करके हम लोग दूसरे कह सकते हैं क्या बताइए, कि सेट्स ऑफ ऑल सेट्स, इसका मतलब हुआ है कि जितने भी सेट्स बनाए जाएंगे वो सारा का सारा एलिमेंट उस सेट में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसी सॉरी उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट से, अभी नोटिस कीजिएगा यहां पर समझिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, जस्ट बताया तो या तो हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को लिख सकते हैं बताइए, इट इज क्या कह सकते हैं बोलिए, डिनोटेड बाय या तो हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर और कह सकते हैं एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया आपको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट, तो सारा का सिंबल एक ही है, सारा का मीनिंग एक ही है, कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, इसी में मान लीजिए कि कुछ कंडीशन आपके पास दे दिया, समझिएगा मेरी बात को, जैसे इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई सेट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसी ने किसी का सेट दे दिया, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, क्लियर है, दूसरा मान लिए कि b इक्वल टू कोई सेट दे दिया आपके पास y सच दैट y किसका सेट दे दिया बताइए, हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स का सेट दे दिया, और तीसरा कह सकते हैं बताइए c इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया, z सच दैट z बिलोंग्स टू किसका सेट दे दिया, रियल नंबर का सेट दे दिया, अब जैसे ही हम कोई सेट बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स मैच कर जाएगा तो कुछ डिफरेंट है, मान लीजिए कि यहां पर आपके पास इरेशनल का ही सेट दे दिया, क्लियर है, अब जैसे ही नोटिस कीजिएगा हम जैसे ही क्या कि एक ऐसा सेट टेकन किया है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, देयर फोर एक ऐसा हम लोग सेट बनाए यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करेगा बताइए, रियल नंबर से, किससे रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर से, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग ऐसा सेट यहां पर टेकन किए हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे इंक्लूड है उसमें, इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया से समझ करके आसानी से फास्ट फास्ट नोट किए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट कीजिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में लिखिए फास्ट फास्ट लिखिए, बढ़े आगे, चल नोट कीजिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट करते चलिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आसानी से बोलिएगा, फास्ट फास्ट हम लोग क्लियर कर लें, क्लियर है, फास्ट फास्ट आगे बढ़े, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग लीजिए अगला आपके पास हो गया पावर सेट, नोटिस कीजिएगा समझ जाएगा अपने आप समझ में, देखिए जितने भी किसी भी सेट के पॉसिबल सेट होंगे ना उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी पॉसिबल सेट होंगे उसी को पावर सेट बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए अपने आप समझ में आ रहेगा, हम हमेशा पीछे बता चुके हैं कि सेट थ्योरी में जितने एग्जांपल्स के लिए उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं रहता, इजी रहता है, बताइए जैसे मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा कोई सेट आपके पास दे दिया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट दे दिया वन, ठीक है,
अब कहेगा बताइए इस वन का कितना नंबर ऑफ पॉसिबल सेट बनाया जा सकता है। पॉसिबल सेट मींस वो तभी पॉसिबल सेट होगा जो उसके सबसेट को एग्जिस्ट करेगा। सबसेट मींस हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए फर्स्ट सेट में वो इस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो आइए पहले हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम लोग बोल क्या रहे तब आएगा समझ में। मान लीजिए इसका जितने भी पॉसिबल सेट है बताइए तो क्या रहेगा आपके पास, ऑल नोटिस कीजिएगा पॉसिबल सेट्स ऑफ ए आर। नोटिस के बताइए तो ए का क्या क्या पॉसिबल सेट होगा बताइए। अगर किसी सेट में वन एलिमेंट है समझिए, किसी सेट में एक एलिमेंट हम लोग टेकन किए हैं तो क्या हम बताएं उसमें से अगर एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे मींस एम्प्टी सेट होगा, कोई भी सदस्य उसमें मौजूद नहीं रहेगा तो वो भी तो एक सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिंगल एलिमेंट है तो एक ऐसा सेट हम बनाए फाई करके जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो यह भी क्या कहलाएगा, एक सेट ही कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। फिर दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, वन। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं किसी सेट में अगर आपके पास वन एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, टू का पावर वन। टू का पावर वन मींस क्या हो गया, दो सेट्स बनेंगे। कितने सेट बनेंगे बताइए, टू सेट्स बनेंगे। समझ गया मेरी बात को, लेकिन नहीं इसी में अगर एग्जांपल लेते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सेट हम टेकन कर रहे हैं वही सेट का सबसेट होना चाहिए। तो बताइए तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर बताइए तो कि पहला हो गया फाइव या फिर और कह सकते हैं वन। बताइए तो क्या यह सबसेट है एक आखिर नहीं है, सबसेट है का है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, फाइव एलिमेंट प्रेजेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन सेट इज अ गिवन सेट्स इज अ सबसेट ऑफ आरजेस पार्ट। आरजेस पार्ट मींस हो गया सेट ए का सबसेट है। इसी मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल हम लोग टेकन कर लेते हैं एंड बी इक्वल टू कोई सेट टेकन कर लेते हैं 1, 2 क्लियर है इसका। बताइए तो ऑल पॉसिबल सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर समझ गया मेरी बात को, ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ बी आर। बताइए तो बी का क्या क्या पॉसिबल सेट होगा एकदम समझ के बोलिएगा। हम लोग अभी जस्ट बतलाए हैं, बताइए यहां पर पहले समझिएगा, हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। पहले नोटिस कीजिएगा कि दो एलिमेंट है आपके पास, दो सदस्य हैं, अगर आपको कोई वर्क की आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें से एक भी सदस्य नहीं टेकन कर रहे हैं तो सेट के भाषा में तो हम लोग वहां पर कह सकते हैं कोई एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करा है क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, वॉइड सेट है, नल सेट है। तो हम लोग इसमें से एक भी एलिमेंट्स नहीं टेकन करेंगे तो फर्स्ट सेट हम लोग क्या बना सकते हैं, फाइव। फिर देख रहे हैं बताइए कितने तरह से इसमें चूज कर सकते हैं, बस इसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। बताइए तो दो एलिमेंट्स अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इसमें से एक एलिमेंट्स हम लोग भी नहीं चूज किए फर्स्ट केस में, और इसमें से सिंगल एलिमेंट्स टेकन कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, या तो वन टेकन कर सकते हैं, या तो क्या टेकन कर सकते हैं, टू, या फिर हम लोग कह सकते हैं वन टू अगर एक साथ टेकन कर सकते हैं। तो बताइए कितने एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हम पॉसिबल सेट बनाएंगे वो सारा इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो आप देख करके बताइए तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं क्या ये सारा जो एलिमेंट्स है क्या ये सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का। क्यों, क्योंकि बी में हम देख रहे हैं 1, 2 प्रेजेंट। बताइए फाइव, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव में कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो उसके अंदर का जो भी एलिमेंट्स रहेगा मींस जीरो एलिमेंट्स है, नन एलिमेंट्स है, वो किसी न किसी सेट का सबसेट होता है। देन आप याद रखिए एकदम गायत्री मंत्र की तरह, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। अब बताइए वन यहां पर प्रेजेंट है तो 1, 1, 2 में प्रेजेंट है, यस, तो ये भी सबसेट होगा। टू प्रेजेंट है तो 2, 1, 2 प्रेजेंट है, यस, ये भी सबसेट होगा। 1, 2 प्रेजेंट है तो 1, 2 भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5, 1, 2 और 1, 2 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहां पर कॉम्बिनेशन का कौन से एलिमेंट्स कितने थे, 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 मीन्स कितने सेट्स बने बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं कितने सेट्स बने बोलिए, 4 सेट्स 1, 2, 3 और 4 सेट्स बने। क्लियर है, ये सब कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। एंड मान लीजिए कहीं पर आपके पास सी इक्वल टू कोई सेट दे दिया, जैसे मान लीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा क्या दे दिया, सी, समझिएगा। अब इसका जितना भी पॉसिबल सेट है बनाइए तो क्या हम लोग कह सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ सी आर, सी है, सी कर दीजिए। अब नोटिस किया बताइए, शॉर्ट में लिख दिया, बताइए इसमें 3 एलिमेंट्स है, अगर इसमें से नन एलिमेंट्स हम चूज करें, हम इसमें से एक भी एलिमेंट चूज नहीं करें तो क्या हम लोग कह सकते हैं बताइए, कौन सा सेट बनेगा, 5। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो क्या कह सकते हैं बताइए, ए, फिर क्या कह सकते हैं बी, फिर क्या कह सकते हैं सी। मींस सबसे पहला केस में हम लोग एक भी एलिमेंट नहीं टेकन किए, फिर हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट टेकन करें, या तो 1 को चूज कर सकते थे, या तो 2 को कर सकते थे, या तो 3 को उसी तरह कर सकते हैं, या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को। लेकिन अब 2-2 करके चूज लेते हैं, अब 2-2 करके चूज करेंगे तो बताइए क्या हम लोग कह सकते हैं, या तो हम लोग ए बी को चूज कर सकते हैं, कोई किसी से मैच भी नहीं करना चाहिए, या तो बी सी को चूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, सी ए को चूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम तीनों का तीनों एलिमेंट्स पुट कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, ए बी और सी।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तीन के तीनों एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया, हम लोग जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे को हम लोग चूज किए। अब नोटिस कीजिएगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है वो सारे को चूज किया, बताइए सारा एलिमेंट जो किसका सबसेट है। यहां पर कह सकते हैं ऑल सेट्स आर इज अ सबसेट ऑफ, क्या कह सकते हैं, सेट सी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप किसी सेट को उठा लीजिए वो सारे के सारे इसमें मौजूद है। तो हम बताए थे प्रॉपर सबसेट का यही मीनिंग होता है कि ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए, जितने भी ए का पॉसिबल सबसेट्स होंगे वही प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि जितने भी आप सेट्स बनाएंगे वो सारे के सारे सी में प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी बात को बाय एग्जांपल से लिखेंगे। आइए कॉन्सेप्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए इसमें एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, टू टू दी पावर कितने हो गए थ्री, टू टू दी पावर थ्री मीन कितने हो गए एट, तो कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं इसके, बताइए एट सेट्स बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी किसी भी सेट के पॉसिबल सेट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट, जो किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे शब्दों में बताइए, लेट मान लीजिए कुछ ना कुछ ए बी डी सेट देन डी फैमिली और कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए देन कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारा सबसेट है। तो यहां पर आपके पास कर दीजिए सबसेट्स इज कॉल्ड अ पावर सेट, उसी को हम लोग किस सेट के नाम से जानते हैं, बताइए पावर सेट के नाम से। अब विजय बताइए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए, जितने ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए हैं इसी पॉसिबल सेट को हम लोग कैपिटल पी, पी मीन्स फर्स्ट लेटर हो गया, पी मीन्स पावर सेट, और ए जब भी लगा देंगे तो ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए मीन्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, इट इज डिनोटेड बाय, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए, पी ए मीन्स हो गया ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए, कोई भी सेट ए रहेगा उसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी पॉसिबल पावर सेट रहेंगे, जितने भी पॉसिबल उसके सबसेट्स बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स कह सकते हैं समझ लीजिए, अभी जस्ट बतलाएं कि अगर कोई एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं लेट, बताइए फाइव, फाइव इक्वल टू कोई सेट मान लेते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है, अब बताइए इसका कोई सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर, बताइए तो क्या क्या इसका पॉसिबल सबसेट्स बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं प्रेजेंट है, टू टू दी पावर जीरो, टू टू दी पावर जीरो मीन्स कितना हो गया वन, मीन्स कह सकते हैं कि फाइव एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसेट क्या बनेगा, फाइव। और यही कारण है, यही वजह है जिसे हम लोग कह सकते हैं फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाइव एक ऐसा सेट है जो सारे सेट में इंक्लूड रहता है, सारे सेट में प्रेजेंट रहता है, वो उसका सबसेट कहलाता है। क्लियर है? अब नोटिस किया मेरी बात को कि यहां पर हम लोग वन एलिमेंट के साथ टेकन, सॉरी जीरो एलिमेंट के साथ टेकन किया, वन के साथ टेकन, टू के साथ, थ्री के साथ, लेकिन इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो, एन एलिमेंट के साथ लिखना हो तो क्या जवाब देंगे, नोट में एक बात लिख सकते हैं बताइए क्या रहेगा, बताइए नंबर ऑफ ऑल को क्या बोलते हैं, पावर सेट। अभी जस्ट बताए हैं क्या बताए इसको, पावर सेट्स। अभी जस्ट बताइए कि जितने भी पॉसिबल सेट्स रहेंगे, सबसेट्स बनेंगे, पावर सेट होंगे, इज ऑफ एन एलिमेंट्स, मान लीजिए कि उसमें अगर एन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इक्वल टू क्या रहेगा, टू टू दी पावर एन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जीरो एलिमेंट्स है तो टू का पावर जीरो मीन्स वन सेट बने, अगर वन एलिमेंट्स है, सिंगल एलिमेंट है, टू का पावर वन मीन्स दो एलिमेंट्स बने, अगर थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, टू का पावर थ्री मीन्स एट एलिमेंट्स बने, और टू एलिमेंट्स प्रेजेंट है, टू का पावर मीन्स फोर एलिमेंट्स बने। तो इस तरह डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। अगर एन एलिमेंट्स की बात करेंगे जनरल फॉर्म में तो क्या हम लोग कह सकते हैं बताइए कि किसी भी सेट में अगर एन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कितने सेट्स बनेंगे, टू टू दी पावर एन, उसी को हम लिखे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट जिसको पावर सेट के नाम से आते हैं, ऑफ एन एलिमेंट्स, ये एन लिखा गया है, जिसका फॉर्मूला हो गया आपके पास कितना हो गया बताइए, टू टू दी पावर एन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब बाइनोमियल थ्योरम में और ज्यादा डिटेल्स में वहां पर डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यहां पर कॉन्सेप्ट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट, तेजी हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा आसानी से पूछेगा,
फास्ट फास्ट नोट डाउन करते रहिए तेजी में। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट, बताइए क्या रहेगा रिलेशन। चलिए अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए इंटरवल, हेडिंग दीजिए इंटरवल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सेट थ्योरी में लेकर के। हम लोग कह सकते हैं सेट थ्योरी में नहीं, जब कंपटीशन का फर्स्ट चैप्टर हम लोग लॉगरिथम में स्टार्ट करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी इंटरवल या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म, बाइक्वाड्रेटिक कोई भी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको इस सब इंटरवल का यूज पड़ेगा। मीन्स इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग क्लियर करेंगे, इंटरवल क्या है उस बारे में स्टडी करेंगे, फिर इसका प्रॉब्लम बनाने में आपको ढेर सारे यूज पड़ेगा। फटाफट नोट कीजिए तेजी में। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में, एकदम बढ़िया से फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में, आगे बढ़ेंगे हम लोग फास्ट फास्ट, फटाफट नोट कीजिए तेजी में। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए आप इंटरवल, हेडिंग दीजिए इंटरवल। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए आप इंटरवल, बताइए क्या है समझिए यहां पर देखिए। चलिए समझिए क्या है इसको, देखिए इंटरवल फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के इंटरवल है? फोर टाइप्स के होते हैं। आइए इसको मिड में हम लोग टेकन करते हैं, बीच में टेकन करते हैं, इधर आइए क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप्स लिखना पड़ेगा, बीच में ड्रॉ कीजिए। हाँ जी इंटरवल देखिए, इंटरवल आर ऑफ फोर टाइप्स। इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं, जिससे बारी बारी हम लोग सारे टाइप्स के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। नोटिस कीजिएगा मेरी बात समझिए, सबसे फर्स्ट होता है, नोटिस कीजिएगा ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल समझिएगा, सबसे फर्स्ट आपके पास होता है ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल को हम लोग कभी कभी और करके ओपन ओपन इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओपन ओपन इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड होता है आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल। क्या होता है? ओपन क्लोज इंटरवल, देखिए नाम से ही लग रहा है ओपन क्लोज मिस हो गया कि फर्स्ट प्लेस पर ओपन होगा, सेकेंड प्लेस पर क्या होगा? क्लोज होगा। फिर इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ओपन क्लोज को करेंगे तो क्या रहेगा नेक्स्ट, बताइए आपके पास क्लोज ओपन इंटरवल। फिर हम लोग लास्ट कह सकते हैं फोर्थ आपके पास हो गया, या तो हम लोग कह सकते हैं क्लोज इंटरवल, या फिर कह सकते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। क्या कह सकते हैं बताइए और करके, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्लोज क्लोज इंटर, समझिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है समझिए, एकदम आसानी है, एकदम बेसिक समझ गया, हम एक ही स्टेप में सारे बात को क्लियर कर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हेडिंग दे सकते हैं समझिए ओपन इंटरवल, समझिए यहां पर साइड में हम लोग डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल का, जैसे नाम हो गया ओपन ओपन इंटरवल। तो हेडिंग दीजिए आप ओपन इंटरवल, समझिए यहां पर देखिए ध्यान समझिए, देखिए इंटरवल क्या है। सो देखिए जब भी हम इंटरवल की बात करते हैं तो एक रियल नंबर को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? रियल नंबर को। लेकिन इसमें दो बातें को आपको एकदम ध्यान में रखनी है, एकदम ब्लड में याद रखना है कि रियल नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है, बट जब भी हम इंटरवल टेकन करेंगे तो फर्स्ट में हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर टेकन करेंगे और सेकंड में ग्रेटेस्ट नंबर टेकन करेंगे। मीन्स पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे, और फिर इंटरवल में बाद में कौन सा नंबर लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। तो इस बात को क्या लिखेंगे बताइए, समझिए यहां पर लेट A and B be the two real numbers. Then बताइए यहां पर जब A और B कोई real number हो तो जब भी हम A is less than B, मतलब first में A को लिखेंगे, after किसको लिखेंगे? B को। पहले छोटा number लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे? बड़ा number को। Then तब क्या होगा सुषमा जी, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है समझिए यहां पर हम जस्ट बताएं, ओपन इंटरवल या इसी को बता ओपन ओपन इंटरवल, इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि दोनों प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर भी ओपन होना चाहिए और सेकंड प्लेस पर भी क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए।
तो आइए इसी बात को दैट इज करके हम लोग क्या लिखें बताइए। इफ कहीं पर अगर आपके पास दे दिया सपोज दैट, मान लीजिए ए इज लेस देन एक्स, लेस देन क्या हो गया बी, इसका मीनिंग क्या उसको समझिए। एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर है और बी से क्या है लेस है, लेकिन यहां पर हम दिखा चाहिए पहला नंबर छोटा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। या इसी को और करके सपोज दैट मीन और ज्यादा क्लियर कर इसका मीनिंग समझिए। जैसे हम बताएं कि नंबर लाइन पर आप जानते हैं, एग्जाम्पल भी समझते चलिएगा, समझने के लिए एक एग्जाम्पल टेकन करते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया टू इज लेस देन एक्स, लेस देन क्या दे दिया फोर, यही एक इंटरवल में लिखा गया। देखिए ये होता है ओपन का इंटरवल, ये किसका इंटरवल है ओपन का, इसी के नीचे जो हम लोग इसको डार्क कर देंगे ये आपके पास क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा क्लोज को, और ये जो बस ग्रेटर और लेस केबल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको ओपन इंटरवल। तो समझिए कहीं पर अगर आपके पास लिखा हुआ है टू इज लेस देन एक्स लेस देन फोर, इसका मीनिंग हो गया एक्स कोई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन टू, दो से क्या है बड़ा है, बट लेस देन फोर, फोर से क्या है छोटा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स एनी रियल नंबर किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टू से फोर के बीच में लाइज कर रहा है, बट टू के इक्वल नहीं है फोर के भी इक्वल नहीं है। तो आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इतना लिखा गया कहीं पर तो भी, या इसी को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे कह सकते हैं समझिए। नंबर लाइन पर आप जानते हैं पहले छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या आएगा टू, बाद में क्या आता है फोर, समझिएगा। एक्स का वैल्यू बोला टू से ग्रेटर, तो एक्स का वैल्यू टू से ग्रेटर इधर चलेंगे, बट फोर से क्या बोला लेस, फोर से लेस, तो टू से फोर के बीच में। देखिए जब बोलेगा इक्वल नहीं है तो हम लोग बस यहां पर एक जीरो मीन्स एक सर्कल करके छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। लेकिन नहीं, अगर बोलता क्लोज है तब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल के अंदर ऐसे करके डार्क कर देते हैं, समझ में आना है। तो इसका मीन्स ये क्लोज इंटरवल का सिंबल हो जाता है, जिसका मीनिंग इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि एक्स का वैल्यू दो के इक्वल भी होता अगर क्लोज रहता तब। देखिए नहीं, यहां पर क्लोज नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट को या तो टू से फोर के बीच में लाइज करेगा या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और करके सपोज दैट मान लीजिए कि ये सिंबल आपके पास नहीं दे दिया, कोई दूसरे तीसरा सिंबल दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास दे दिया एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू कॉमा थ्री, इसका मीनिंग भी सेम ही है, ये भी ओपन का ही सिंबल है। किसका सिंबल है ओपन का, जिसका मीनिंग क्या होता है बतलाइए, जिसका मीनिंग हम जस्ट बतलाए हैं कि एक्स का वैल्यू टू से थ्री के बीच में लाइज करेगा अगर यहां पर सॉरी फोर प्रेजेंट है तो फोर पुट कर दीजिए, जिसका मीनिंग होगा एक्स का वैल्यू टू से फोर के बीच में लाइज कर रहा है, टू के इक्वल नहीं होगा और फोर के इक्वल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसको और करके हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, देखिए ओपन का सिंबल है तो जब भी हम अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके डिनोट करते हैं वो भी क्या कहलाता है ओपन का सिंबल। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, नोटिस कीजिएगा, टू पर बोला ओपन है तो ओपन हम डाले टू पर, फोर पर भी हो गया ओपन, तो ये सारा सिंबल जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारा ओपन इंटरवल का ही सिंबल है। इसमें से कोई सिंबल अगर आपको इंडिकेट किया गया है तो सारा का मीनिंग एक ही है, हम पीछे ही बतला चुके हैं कि एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर कुछ और नाम, बट स्टूडेंट सेम है, उसका प्लेस चेंज करेगा बट उसका नेम भी चेंज करेगा, बट वो इंसान चेंज नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप इसमें से कोई भी रहेगा तो इसका मीनिंग एक ही हुआ कि एक्स का वैल्यू टू से फोर के बीच में लाइज कर रहा है, टू के इक्वल नहीं होगा फोर के इक्वल नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसी को जनरल फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर, सपोज दैट मान लिए ए बी, तो हम लोग क्या कर सकते बताइए, ए अगर छोटा नंबर है तो फर्स्ट में आएगा, बी अगर ग्रेटर नंबर है तो क्या आएगा लास्ट में, हम क्या बताए ए से बी के बीच में लाइज करेगा बी के, बताइए क्या ए पर क्लोज है, ए पर डार्क किया हुआ है इक्वालिटी है नहीं है, मीन्स ए पर ओपन रहेगा, बी पर क्या कर सकते हैं क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा नहीं, बी पर भी क्या रहेगा ओपन ही रहेगा क्योंकि बी पर इक्वल नहीं है, तो ऐसे डिनोट किया गया। या और करके कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, नोटिस कीजिएगा, अगर आपके पास दे दिया ए और बी और दोनों में स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल लगा दिया, इसका मीनिंग भी वही है कि एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में लाइज कर रहा है, ए के इक्वल नहीं होगा बी के इक्वल नहीं होगा। या लास्ट हम लोग कह सकते हैं फाइनली चौथा स्टेप आपके पास क्या रहेगा बताइए, यहां पर नोटिस कीजिएगा, समझते चलिएगा, इसी को और करके क्या कर सकते हैं बताइए, कहीं पर अगर आपके पास दे दिया एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आपके पास दे दिया ए और सेकेंड में क्या दे दिया बी, तो सारे का मीनिंग एक ही है, सारे का कॉन्सेप्ट एक ही है कि ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मीनिंग हो गया एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में लाइज करेगा, ए के इक्वल नहीं होगा बी के इक्वल नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जिसको हम लोग ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। फास्ट फास्ट इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड टाइप की ओर पढ़ेंगे, नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट हो गया। अभी हम जस्ट बताया ओपन इंटरवल को ही ओपन ओपन के नाम से जानते हैं, ओपन ओपन था इसलिए फर्स्ट प्लेस पर भी ओपन दिया और सेकंड पर भी ओपन, फर्स्ट पर भी ओपन और सेकंड पर भी ओपन। क्लियर कॉन्सेप्ट, लिखिए इस बात को, लिखिए सेकंड लिखिए, एडिंग दीजिए, यहीं से आ जाएगा, लिखिए फर्स्ट फर्स्ट। दूसरा क्या है आपके पास बोलिए, सेकेंड लिखे हुए हैं क्या है प्रेजेंट बोलिए, वहां साइड में इंडिकेट किया गया है, सेकेंड है आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल, ये आपके पास है फर्स्ट,
ये आपके पास सेकेंड, ये है आपके पास थर्ड, इंडिकेट कर दिए वैसे समझने में इजी रहेगा, ये आपके पास फोर। तो बताइए सेकेंड आपके पास क्या है, बोलिए। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्या जगह बताइए, क्लोज इंटरवल, हेडिंग दीजिए ओपन क्लोज इंटरवल। देखिए इतना बात सेम ही रहेगा, हर इंटरवल में जब भी हम ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स देन एज लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी एज डी लेस देन बी, मतलब इतना बात सब में रहेगा कि जब भी हम दो रियल नंबर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर छोटा होना चाहिए और सेकेंड नंबर ग्रेटर होना चाहिए, पहला छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर, समझिएगा इसको मिटा दें। चलिए फर्स्ट फर्स्ट लिखिए, नोटिस कीजिए, एकदम बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट कीजिए तेजी में, बढ़िया से समझिए हर एक स्टेप को, घर पर दो बार तीन बार चार बार पांच बार अच्छे से स्टडी कीजिए, इजी रहता है, समझ में आएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं। चलिए जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि इफ हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इफ अगर आपके पास कुछ, देखिए पहले क्या है ओपन है, समझिए इसका मीनिंग क्या है उसको समझिए। ए इज लेस देन एक्स, चलिए आपको समझने में इजी रहेगा, फर्स्ट में ए इज लेस देन एक्स, इसका मतलब पहला ओपन है, इज लेस देन इक्वल टू बी, सेकेंड पर क्या है क्लोज है, तभी हम जब भी तरह है, जब भी लेस देन को इक्वालिटी के साथ लगाएंगे इसी को क्या बोलते हैं बताइए, क्लोज। इसी इंटरवल का नाम हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग हो गया कि एक्स का वैल्यू ए के इक्वल होगा, ए से ग्रेटर होगा, ए से बड़ा होगा, सॉरी ए के ग्रेटर नहीं इक्वल नहीं होगा, ए से ग्रेटर होगा, और बी के इक्वल या बी से लेस होगा, बट ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा बट ए के इक्वल नहीं होगा। मीन्स हम लोग क्या करें, आइए भाई हम लोग ग्राफिकली दिखा, और हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए क्या जाएगा आपके पास इसी को। आइए हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पर क्या प्रेजेंट है बताइए, फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है ए, सेकेंड में क्या प्रेजेंट है बी। आपको जस्ट बताएं कि जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं पहले हम लोग छोटा नंबर लिखेंगे फिर कौन सा लिखेंगे बड़ा, पहले स्मॉलेस्ट नंबर फिर लार्जेस्ट टेकन करेंगे। बताइए फर्स्ट प्लेस पर बोला है ओपन है तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं ओपन, सेकेंड प्लेस पर क्या आपके पास क्लोज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए यहां पर क्लोज है। देखिए यहां पर समझिए, हम कई बार आपको बताएं कि जब भी क्लोज इंटरवल का सिंबल बोलेगा, किसका बोलेगा क्लोज का, आप देख सकते हैं देखिए बी पर क्या है क्लोज है, जब भी क्लोज इंटरवल का सिंबल बोला तो बी पर हम लोग क्या कर देंगे डार्क कर देंगे। ए पर क्या प्रेजेंट है ओपन है, तो देखिए यहां पर फर्स्ट प्लेस पर आपके पास ओपन है, सेकेंड प्लेस पर क्या है क्लोज है। कई बार बताएं इसका मीनिंग हुआ कि एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में लाइज कर रहा है, बी के इक्वल हो सकता है बट ए के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं इसी को अगर हम लोग थर्ड स्टेप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करें बताइए, एक्स बिलोंग्स, नोटिस कीजिएगा बताइए, देखिए ए पर क्लोज है कि ओपन है, ए पर क्लोज है कि ओपन है, ओपन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं नोटिस किया कि फर्स्ट प्लेस पर आपके पास ओपन है तो हम लोग ओपन रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड प्लेस पर बताइए बी पर क्लोज है या ओपन है, बी पर हम लोग डार्क किया गया है क्लोज है तो बी पर हम लोग क्या डाल देंगे क्लोज डाल देंगे, ये ओपन का सिंबल है ये क्लोज का सिंबल है, नहीं तो इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया एक्स बिलोंग्स, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट प्लेस पर ओपन है तो हम बताएं कि स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मीनिंग भी क्या होता है ओपन है, जिसका मीनिंग होगा कि उसके बीच में लाइज करेगा। बी पर सेकेंड प्लेस पर क्या है क्लोज है तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड प्लेस पर क्या प्रेजेंट है बताइए क्लोज। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी इस चारों ऑप्शंस में से कोई भी दिया रहेगा तो सबका मीनिंग एक ही हुआ कि इसका वैल्यू ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ए के इक्वल हो सकता है बी के इक्वल हो सकता है, नेक्स्ट इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा, जैसे सपोज दैट मान ली कहीं पर आपके पास दे दिया माइनस वन बाई टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू आपके पास दे दिया थ्री बाई टू, सॉरी पहले ओपन है तो फर्स्ट प्लेस पर ओपन ही रहने दीजिए, बताइए क्या रहेगा। जैसे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो बताइए नंबर लाइन पर आप क्या जानते हैं बताइए हमको कि फर्स्ट में पहला प्लेस पर माइनस वन बाई टू आएगा, पहले माइनस वन बाई टू आएगा पहले थ्री बाई टू आएगा, पहले निगेटिव नंबर आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर फर्स्ट प्लेस पर आ गया आपके पास माइनस वन बाई टू और सेकेंड प्लेस पर आपके पास कितना गया थ्री बाई टू, बताइए माइनस वन बाई टू पर ओपन है तो हम लोग क्या बोलेंगे माइनस वन बाई टू पर क्या प्रेजेंट है ओपन, नोटिस कीजिएगा सेकेंड प्लेस पर क्या है थ्री बाई टू पर हम लोग क्या देख रहे हैं क्लोज है तो थ्री बाई टू प्लेस पर क्या प्रेजेंट है क्लोज, समझिएगा इसका मीनिंग हुआ एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू से ग्रेटर है और थ्री बाई टू के इक्वल थ्री बाई टू से क्या है लेस है। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आसानी से बोलिएगा, बोलिए अब हमको बताइए इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट बताइए और करके क्या कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, बताइए माइनस वन बाई टू पर ओपन है या क्लोज है ओपन है तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए फर्स्ट में डालेंगे ओपन है तो ओपन, माइनस वन बाई टू पर ओपन है और थ्री बाई टू पर क्या है क्लोज है, थ्री बाई टू पर क्या है क्लोज है।
हम कई बार बतला चुके इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू -1/2 से 3/2 के बीच में लाइज करेगा, उसके अंडरलाइज करेगा, लेकिन कंडीशंस है कि -1/2 पर ओपन है, मींस -1/2 के इक्वल नहीं होगा और 3/2 के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको समझना है। और करके हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, x बिलोंग्स टू फर्स्ट प्लेस पर कर सकते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या प्रेजेंट है आपके पास, -1/2, और सेकंड प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, 3/2। हम देखें -1/2 पर ओपन है और 3/2 पर क्या प्रेजेंट है, क्लोज है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यही था आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल। हम बताए इंटरवल में आप नेम से ही याद रख सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पर कब बोलेगा ओपन है, कब बोलेगा क्लोज है, तो आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, बिल्कुल भी ये टफ नहीं है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फर्स्ट पास नोट डाउन कीजिए, हम तेजी में आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट पास नोट डाउन कीजिए। चलिए थर्ड हेडिंग दीजिए, आपके पास हो गया, फटाफट नोट कीजिए। हेडिंग दीजिए, थर्ड पार्ट आपके पास आ गया, क्लोज ओपन इंटरवल। थर्ड में क्या है आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि फर्स्ट में क्लोज है, पहले क्लोज है, फिर क्या है ओपन है। बताइए थर्ड आपके पास क्या रहेगा, क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए यही थर्ड है आपके पास, क्लोज ओपन इंटरवल। हमें जस्ट पता, देखिए आपको नाम से ही लग रहा होगा, फर्स्ट प्लेस पर क्लोज है और सेकेंड प्लेस पर क्या है ओपन है, मींस पहले हम लोग देख रहे हैं क्लोज है और फिर क्या है ओपन है। तो एक चीज हमको बताइए, नोटिस कीजिए मेरी बात को, ध्यान समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को टारगेट करना है क्लोज, तो अब बताइए एक चीज हमको बताइए, फर्स्ट प्लेस पर क्या आपके पास क्लोज, तभी हम जस्ट बताएं इफ सपोज दैट, मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पर क्या दे दिया है क्लोज, तो क्लोज मीन्स क्या होगा, इक्वालिटी रहेगा। ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या हो गया बी, इसका मीनिंग हुआ है कि ए और बी एनी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर जिसका वैल्यू ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ए के इक्वल भी हो सकता है, मीन्स छोटे नंबर के इक्वल भी हो सकता है, बट लार्जेस्ट नंबर के इक्वल नहीं होगा। आइए अगर इसी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहेंगे बोलिए, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या है क्लोज है, तो पहले नंबर ए आएगा फिर क्या आएगा बी, बताइए इसका वैल्यू बोला ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ए के इक्वल हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। हम देख रहे हैं एक्स का वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा। इसी को थर्ड स्टेप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, तो थोड़ा सा ध्यान से हमको, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स बिलोंग्स टू, बताइए फर्स्ट प्लेस पर क्या है, बताइए ए पर क्लोज है या ओपन है, ए पर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास क्लोज है, तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट प्लेस पर आपके पास क्या है क्लोज है। अब बताइए बी पर क्लोज है या ओपन है, बी पर ओपन है, तो देखिए फर्स्ट पर हम लोग क्लोज डाल दिए और बी पर क्या डाल दिए ओपन। जब भी ब्रैकेट को मींस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग अपोजिट साइड से इंडिकेट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपके पास ओपन इंटरवल कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। लास्ट में इसी को कैसे रिप्रेजेंट करते बताइए, फोर्थ मेथड से एक्स बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पर आपके पास क्या है क्लोज है, तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं क्लोज हो गया, सेकेंड प्लेस पर क्या कर सकते हैं ओपन है, तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन का ही सिंबल है। इस चारों में से कोई भी एग्जांपल रहेगा तो आपका मीनिंग समझ जाना है कि एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बट ए के इक्वल हो सकता है बट बी के इक्वल नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान करना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, समझिए जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई हम लोग टेकन कर लिए, सपोज दैट मान लीजिए माइनस रूट अंडर टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया रूट अंडर फाइव, बताइए फर्स्ट पर क्लोज दे दिया सेकेंड पर ओपन है, तो आप सेकेंड पर ओपन कर दीजिए, बताइए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें बताइए। हम कई बार बताएं कि नंबर लाइन पर फर्स्ट में कौन सा नंबर आता है निगेटिव, तो हम लोग कह सकते हैं निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, हम पीछे भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, नंबर आपके पास कोई भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल मीन्स एनी रियल नंबर हो सकते हैं। रूट टू के इक्वल है तो रूट टू पर हम लोग क्या डालेंगे, ये क्लोज इंटरवल है। रूट फाइव पर क्या है ओपन है, तो ओपन का सिंबल है, देख लीजिए आप रूट टू पर क्या डाल चुके हैं क्लोज है, रूट फाइव पर ओपन है। इसी को और करके हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए, एक्स बिलोंग्स टू क्या टेकन कर सकते हैं बताइए, माइनस रूट टू पे क्लोज है तो माइनस रूट टू पर हम लोग क्या डाल सकते हैं क्लोज इंटरवल का सिंबल, नोटिस कीजिएगा। और सेकेंड प्लेस पर क्या कर सकते हैं रूट अंडर फाइव पर ओपन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए रूट अंडर फाइव पर क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा ओपन इंटरवल का सिंबल है। देख रहे हैं आप एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए इसी को लास्टली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, एक्स बिलोंग्स टू कह सकते हैं रूट टू पर क्लोज है तो माइनस रूट टू पर हम लोग कह सकते हैं क्लोज है, रूट अंडर फाइव पर ओपन है तो जब भी रूट अंडर फाइव को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स छोटी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मीनिंग हो गया एक्स का वैल्यू माइनस रूट टू से फाइव के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, रूट फाइव के बिलोंग्स में, बट माइनस रूट टू के इक्वल हो सकता है, फाइव के इक्वल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको क्लोज ओपन इंटरवल। बढ़िया से समझ करके फास्ट फास्ट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हेडिंग है फोर्थ, फोर्थ की ओर बढ़ेंगे, लास्ट है आपके पास हेडिंग दीजिए
क्लोज इंटरवल, या उसी को हम लोग बोल चुके हैं पीछे क्लोज क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो क्लोज इंटरवल या फिर क्लोज क्लोज इंटरवल, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हेडिंग दीजिए, आपके पास हो गया फोर्थ क्लोज इंटरवल। हेडिंग दीजिए, आपके पास हो गया फोर्थ क्लोज क्लोज इंटरवल कह सकते हैं, या ऑब्लिक देकर के हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इसी को क्लोज इंटरवल बोलते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लोज इंटरवल, दोनों का मीनिंग एक ही है, कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि जब भी किसी भी नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताए थे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी नंबर लाइन पर हम किसी भी दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पीछे ही बता चुके हैं, पहले हम लोग छोटा नंबर टेकन करेंगे, मिस स्मॉलेस्ट नंबर टेकन करेंगे, फिर हम लोग लार्जेस्ट नंबर टेकन करेंगे, कोई बड़ा सा नंबर टेकन करेंगे। तो बताइए क्या जाएगा, नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, क्लोज क्लोज इंटरवल। तो क्या कर सकते हैं बताइए, तो इफ कह सकते हैं ऐसा, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन कितना हो गया बी। देखिए दोनों प्लेस पर बोला है, यहां फर्स्ट पर भी क्लोज है और सेकंड पर भी क्लोज है, इसका मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्लेस पर ए आएगा, सेकंड प्लेस पर क्या है बी, एक्स का वैल्यू बोला है ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ए से बी के बीच में, हम लोग देख रहे हैं ए पर क्लोज है, क्लोज मीन्स क्या, इक्वल हो सकता है, डार्क हो सकता है, बी पर भी क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्लोज, बी पर भी डार्क हो सकता है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आपके पास ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ इंटरवल में या नंबर लाइन पर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बिग ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बताइए, ए पर भी क्लोज है और बी पर भी क्लोज है, क्लोज, जिसका मीनिंग हो जाएगा एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ए के इक्वल भी हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। चलिए अगर इसी को सपोज दैट मतलब एक जनरल फॉर्म में एक नंबर लाइन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर कोई एग्जांपल स्टेकन कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास दे दिया माइनस 19 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना दे दिया 19 बाई 2, एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर टेकन किया है बताइए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर क्या जानते हैं बताइए, नंबर लाइन पर आप जानते हैं कि फर्स्ट में आपके पास निगेटिव नंबर आता है, आफ्टर कौन सा नंबर आता है, पॉजिटिव आता है, तो माइनस 19 बाई 2 पर क्लोज है तो माइनस 19 बाई 2 पर हम लोग कह सकते हैं क्लोज, प्लस 19 बाई 2 पर भी क्या है, क्लोज है, हम कई बार बता चुके इसका मीनिंग होगा एक्स का वैल्यू माइनस 19 से 19 के 19 बाई 2 के बीच में ऑल रियल नंबर्स होंगे, माइनस 19 बाई 2 के इक्वल भी हो सकते हैं, प्लस 19 बाई 2 के इक्वल भी हो सकते हैं, तो कहीं पर ये प्रेजेंट दिखाया गया तो भी, या फिर एक्स बिलोंग्स टू हम लोग कह सकते हैं माइनस 19 बाई 2 से 19 बाई 2 के बीच में, तो सारा और करके दिख रहा है, इस सब में से कोई भी सिंबल रहेगा तो सबका मीनिंग एक ही होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरवल। इसके कॉन्सेप्ट से आप लोग को हम कह सकते हैं कि कोई भी आप स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर नेशनल लेवल बना रहे हैं, आईआईटी एनआईटी एडवांस मेंस किसी भी लेवल का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सारे प्रॉपर्टी में इसका यूज पड़ेगा, जरूरी नहीं कि यहां पर सेट थ्री में यूज पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा हाइयर डोमेन रेंज फाइंड करते हैं तो वहां भी आपको यूज पड़ेगा, आप लॉगरिथम फंड रहे हैं वहां भी यूज पड़ेगा, किसी भी इंटरवल का क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, कैलकुलस में बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, किसी भी चैप्टर बना रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कदम कदम पर यूज पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एकदम बढ़िया से समझ करके क्लियर करना है, क्लियर है, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके पास था चौथा क्लोज इंटरवल, एसी क्लोज क्लोज इंटरवल, फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग इस लेक्चर में क्या सब कवर किए हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये था आपके पास लेक्चर 5 हो गया सेट थ्योरी का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले उस 1.3 में जो भी बेसिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, जो भी कैरेक्टेरिया यूज होगा, उस पर आज हम लोग डिस्कस किए हैं, उसमें आप लोग क्या क्या स्टडी किए हैं, तो हम लोग सबसेट स्टडी किए हैं, फिर हम लोग यूनिवर्सल से स्टार्ट के नाम से बताए हैं कि जितने पॉसिबल जितने भी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो सारे यूनिवर्सल हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएं पावर सेट बताएं, किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो पावर सेट हो जाएंगे, फिर उसी के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इंटरवल को लेकर बढ़े हैं, जैसे हम लोग ए बी सी डी मींस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब इसी सब सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मींस एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यूनियन इंटरसेक्शन वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इस सब बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको अपडेट रखिए, क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन।